नौसेना के प्रक्षेपण प्रोटोटाइप विमान NP-5 ने भरी पहली उड़ान। INS विक्रमादित्य विक्रांत पर किया जाएगा तैनात। बेंगलुरु प्रिंट। नौसेना के LCA हल्के लड़ाकू विमान प्रक्षेपण प्रोटोटाइप NP-5 ने शुक्रवार को पहली उड़ान भरी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हवाई अड्डे से उड़ान का संचालन किया गया। विमान ने दोपहर 2:20 पर उड़ान भरी। विमान 57 मिनट तक हवा में रहा। नौसेना के कैप्टन अमित कवाड़े ने इस प्रक्षेपण विमान का संचालन किया। उनके साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह भी थे। LCA नेवी को ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया है। नौसेना के बेड़े में NP-5 विमान को शामिल करने से उड़ान परीक्षण गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। NP-5 को जल्द ही INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इससे देश के महत्वाकांक्षी ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर TEDBF को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। TEDBF ज्यादा हथियार और शक्तिशाली इंजन से लैस होगा।